अस्सलाम वालेकुम गुलनासे और खाने में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की सब्ज़ी। ये हमने लिए मूली, जिसे हमने अच्छी तरह से उबाल के हाथों से ऐसे दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया, तो हमने उबाल के रख लिए। ये लेंगे हम पालक, लहसुन पिसा हुआ और अदरक पिसा हुआ। ये है वाइट ज़ीरा, ढेर वाली मिर्चें, हल्दी, कुटी हुई मिर्चें, हरी मिर्चें, लहसुन बारीक कटा हुआ, नमक और तेल। आए हमारी डिश पकाने के लिए शुरू करें। चले शुरू करते हैं हमारी डिश। सबसे पहले डालेंगे हम तेल, एक प्याले तेल डाला है इसमें हमने, और इसका गर्म होने का इंतज़ार करेंगे कि कलर चेंज हो जाए। चले हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम बेर वाली मिर्चें और सफ़ेद ज़ीरा जो हमने एक टीस्पून लिया चिंदा हुआ। अब इसके बाद डालेंगे हम लहसुन कटा हुआ बारीक, और इसे हम लाइट ब्राउन करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ा सा। ये देखिए लहसुन का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले पालक, पालक के पानी को थोड़ा हम कम करेंगे, पानी छोड़ेगा। उसके बाद हम इसमें मूली डालेंगे। डाल देंगे सारा पालक। पालक को पकने के लिए हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ये अपना पानी छोड़ेगा। उसके बाद इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। हमारा सालक, ये देखिए पालक हमारा भून चुका है, इसका सारा तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें डालेंगे हम बाकी के मसाले। ये 5 हरी मिर्चें जिसे हमने मोटा मोटा कूट लिया। एक चम्मच लहसुन और एक चम्मच अदरक, इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे। एक चम्मच हल्दी है इसमें, एक चम्मच कुटी हुई मिर्चें हैं इसमें, और एक टीस्पून ही इसमें नमक है। इसमें हमने पालक डाला, इसलिए नमक कम डालेंगे हम, क्योंकि वो नमकीन होता है। अब मसाला इसका मिक्स करके हम इसमें मूली डाल देंगे जो हमने उबाल के रखी थी पत्तों के साथ। ये मूली है हमारी उबली, ये हम इसमें सारी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छी तरह से हिला के हम इसे चम्पक पर रखते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, सारा मसाला मिक्स हो जाए। ये देखिए सारा मसाला हमारा मिक्स हो चुका है। अब इसे हम चम्पक पे पकने के लिए छोड़ दें। चेक करते हैं हमारा सालन, ये भीज रहा है। ये देखें सारा मसाला हमारा एक जार हो चुका है, और इसका तेल छोड़ना शुरू कर दिया। इसको हम रखेंगे आधी आंच पे, कि जब तक ये तेल ना छोड़ दे। इसी तरह से हिला के हम दोबारा इसको ढक्कन लगा देंगे और इसको आधी आंच पे रख देंगे। चले देखते हैं हम हमारा सालन तैयार हुआ कि नहीं। हमारा सालन तैयार हो चुका है, ये देखें इसका तेल ऊपर आ चुका है। अब इसको हम डिश में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।